अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, आज एक सवाल ये आया है कि 2023 में यूपीएससी कैसे क्लियर किया जाए। अब क्या ये पॉसिबल है क्या? तो देखिए, ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी अब तक की प्रिपरेशन कितनी हुई है। एक प्रिपरेशन तो वो है जो कॉन्शियसली आप करते हैं यूपीएससी को मद्देनज़र रखते हुए। दूसरी वो अनकॉन्शियसली जो आपकी प्रिपरेशन हुई है वो होती है जो बचपन से लेकर अब तक के आप जो डेवलप हुए हैं, आपने स्कूल में जैसा पढ़ा, आपने कॉलेज में जैसा पढ़ा, तो ये सारी आपकी एक प्रिपरेशन का पार्ट ही होता है। यूपीएससी का नोटिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि अ वेल अ ग्रेजुएट पर्सन विल बी एबल टू एंसर द क्वेश्चन विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडीज। इस तरीके से उसमें लिखा हुआ होता है कि ग्रेजुएट बंदा इसके जवाब दे सकता है, ग्रेजुएट बंदा यूपीएससी क्लियर कर सकता है। अब उसमें यह है कि क्या फिर हमारा ग्रेजुएशन उस तरीके से हुआ है? फिर थोड़ा सा मसला ये भी है कि थोड़ा ग्रेजुएशन के लेवल से ज़्यादा अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन ये जो यूपीएससी ये वाली बात है, ये मेंस एग्जाम की बात है और मेंस में शादी आती है कि उसमें जो सवाल आते हैं यूपीएससी के, तो वो ऐसे आते हैं कि अ वेल इन्फॉर्म्ड बंदा, ए वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन, अ वेल इन्फॉर्म्ड ग्रेजुएट उसके जवाब दे सकता है, प्रोवाइडेड आपको लिखना आता हो, प्रोवाइडेड आप वो जो चीज़ों को समझ रहे हो। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है एक पढ़े लिखे बंदे से, एक ग्रेजुएट बंदे से, कि उसने यानी कि अपने 10th 12th के बाद से ही वो न्यूज़पेपर पढ़ता रहा हो और उसके अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो गई हो कि उसे देश और दुनिया में क्या चल रहा है वो समझ रहा हो, और उसने क्योंकि 10th 12th तक जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं आपके, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, पढ़ा हुआ है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस लेवल की उसकी इकोनॉमिक्स होती है। तो देखिए, यही तो कहा जाता है कि आपको एग्ज़ाम देने के लिए NCERT पढ़नी होती बेसिक बुनियादी तौर पर। एक टॉपर रही, 2015 के अंदर 6th रैंक था उनका, चारू श्री त्यागराजन करके, उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ द हिंदू और NCERT पढ़ा है, मैंने सिर्फ द हिंदू और NCERT पढ़ा है। खैर, अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग हो रहा है, लेकिन ये बुनियादी तो चीज़ है कि एक आपको कम से कम 12th लेवल तक की NCERT आप क्लियर हो उस मामले में, और आपने एक साल का न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ हो, तो एक आपकी ये प्रिपरेशन आपको देखनी पड़ेगी। या फिर आपको जल्दी से ये करना पड़ेगा कि 2023 से पहले इतनी चीज़ें आप पढ़ लें, NCERT पढ़ लें और जो एक साल का करंट अफेयर्स है वो पढ़ लें। आप अगर ये पूछना चाहते हैं कि भाई आप कुछ बताइए कि 2023 में हम ऐसा क्या करेंगे जिससे हमारा हो जाए, तो एक साल के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो जनरल स्टडीज़ की चीज़ें हैं वो अगर पढ़ लेते हैं और फिर आप उसको कोशिश करते हैं तो। लेकिन फिर अब इसमें प्रीलिम्स वगैरह एक बार समझिए, अगर हो भी जाए, आप एक ठीक ठाक लेवल के ग्रेजुएट हैं, तो फिर आपको मेंस में दिक्कत आएगी। मेंस में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कैसी है ये देखना पड़ेगा। अक्सर और अक्सर ये होता है कि राइटिंग की प्रैक्टिस हमको नहीं होती, और किस तरीके से जवाब लिखना है, और इंग्लिश के अंदर वो किस तरीके से बेसिक राइटिंग हमारी होनी चाहिए वो हमको नहीं पता होता, तो ये। लेकिन अगर चीज़ें अच्छी हैं तो 2023 में क्लियर किया जा सकता है। और असल में हम ये देखते हैं ना कि हम अभी कहाँ पर है, तो हर बंदे को एक सबसे पहले असेस करना पड़ेगा अभी वो किस लेवल पर है और उसे कितना सफ़र तय करना बाकी है 2023 में पास होने के लिए। और यूपीएससी के 3 लेवल्स होते हैं, समझिए। एक है प्लानिंग वाला लेवल कि एनालाइज किया, असेस किया कि अभी कहाँ पर खड़े हुए हैं और कितना सफ़र बाकी है। दूसरा एग्जीक्यूशन वाला लेवल, यानी ये पहला वाला पार्ट आर्किटेक्ट वाला है, दूसरा वाला पार्ट इंजीनियर वाला है कि कितना जो बचा हुआ है उसके लिए प्लान जो बना हुआ है उसको कितना पढ़ पा रहे हैं। और तीसरा वाला एग्ज़ाम का डे होता है, डी डे जिसे आप कहेंगे, कि प्रीलिम्स के दिन या फिर मेंस के जो 5 दिन होते हैं या इंटरव्यू का 1 दिन होता है, उसके आसपास आपकी मेंटल कंडीशन कैसी है, मानसिक स्थिति कैसी है आपकी, तो आप उस वक्त कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं। कई लोग वहाँ जाके डर जाते हैं, कई लोग उस दिन बीमार पड़ जाते हैं, कई लोगों के घर में कुछ इशू हो जाता है, XYZ अलग 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 इश्यूज होते हैं। तो ये तीसरा वाला हमारे कंट्रोल में एक लेवल तक ही होता है। असल में लाइफ अनसर्टन है, हर चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो 2023 के लिए आप सबसे पहले असेस कर लीजिए कि कितना पढ़ा हुआ है, उसमें आपकी बेसिक NCERT बुक हैं और एक साल के करंट अफेयर्स हैं, और उसको लेकर। और अगर आप कुछ रेफरेंस बुक्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो रेफरेंस बुक का मामला ये है कि रेफरेंस बुक तो रेफरेंस बुक है, यानी वो रिफ़र करने के लिए, कोई चीज़ आपको नहीं समझ रही है तो इतना कम टाइम में आप उतना सारा पढ़ तो नहीं पाएंगे, उतनी सारी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो रेफरेंस बुक को आप सिर्फ रिफ़र ही कीजिए,
यानी जो चीज़ आपको करंट अफेयर्स में से नहीं समझ रही वो करके देखिए। तो इस तरीके से उम्मीद है कि शायद आपका ये क्लियर हो जाए। और अलबत्ता इतनी ज़्यादा डेडलाइन के अंदर क्लियर करने में ये होता है कि वो ठीक ठाक उसकी पढ़ाई हो नहीं पाती, लेकिन फिर कभी कभी ये भी होता है कि इसी डेडलाइन के अंदर क्या हो जाता है, लोगों का क्लियर भी हो जाता है। कोई लोगों को कि असल में अलग अलग पर्सनालिटीज है, किसी के लिए डेडलाइंस काम करती है, कोई सुकून से काम करता है। लेकिन एक सुकून से आप अगर काम करते हैं तो आपने फेयरली असेस करना चाहिए अपने आप को कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ, मुझे डिस्टेंस कितना जाना है और मेरी स्पीड क्या है, नॉर्मल स्पीड क्या है, और उसमें से थोड़ा सा एक 50% ज़्यादा टाइम दे दीजिए। एक साल लगने वाला है तो अपने आप को 1.5 साल दे दीजिए अनसर्टेनिटीज़ के लिए, कि जो अनसर्टेनिटीज़ हमारे पास आती है, कभी बीमार हो गए, कभी मूड स्विंग्स हैं, और कभी आपको घर में मेहमान आ गए, कभी घर में कोई बीमार हो गया, और एक्स वाई जेड चीज़ें हैं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दीजिए। तो इस तरीके से हमने इसको प्लान करना चाहिए। ये अमीन साहब का सवाल था, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने उनका जवाब शायद इसमें दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम।